आप ये सोचिए, अगर टेलीफोन ना होता या मोबाइल ना होता तो ये लवर्स कैसे मिलते, क्या होता, कैसे ये जोड़े कैसे पत्थरों के बीच में घुस के बैठते, गार्डन में कैसे पुलिस की मार खाते। चल तुम कहाँ, किसकी लड़की किस। अच्छा, जब एंगेजमेंट हो जाती है, मंगनी हो जाती है, तो एक तरह से उनको लाइसेंस मिल जाता है कि आप लोग मिल सकते हैं, फोन आता भी है जाता भी है, घर वाले बस खाली पास से यूँ निकलते हैं जब बातचीत चल। मामा यू गो मामा। तनुश्री का फोन आया आशीष के लिए, दादा ने उठा लिया। हाँ कौन है, कौन? हाँ दादाजी प्रणाम। दादाजी मैं बोली तनु। हाँ बहू। अच्छा दादाजी अभी तक आपने सिगरेट छोड़ी नहीं, आपसे कितनी बार कहा सिगरेट मत पिया कीजिए। अरे छोड़ दिया, आप तो बीड़ी पी रहा हूँ। देखिए दादाजी मैं नाराज हो जाऊंगी, इस तरह से आप मत करिए, इतना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए अपने शरीर का। इस तरह से आप इतनी खांसी आ रही, दवाई ली आपने? दवाई ली चलिए दवाई लीजिए। बहू की डांट खा के खुश होते हैं दादा। भाई लाओ दवाई, कहाँ लाओ। इतने फिर फोन आ गया, सोचिए आशीष उठाएगा क्योंकि हमारे बुढ़ा बैठा हुआ। कौन है? दादाजी दवाई ली आपने? दवाई ली? अरे अभी तो बोली हो, उठ के जाए वहां से लेके आए, शीशी खोले। अभी कभी फिर तिबारा फोन किया, अब उसका लाड़ कम होता जा रहा बहू का। कौन है? ये बुढ़ा मरता ही नहीं है। अब आशीष फोन कर रहे हैं, आशीष को बात करनी तनु से। हेलो तनु, नमस्ते अंकल। जी जी अंकल, जी मैं ठीक हूँ अंकल। तो अंकल आप किसी को दिखाते क्यों नहीं? अंकल दिस नॉट वे, अपना ध्यान रखिए, कितनी खांसी आपको, तो दवा लीजिए ना आप। नहीं नहीं ऐसे कैसे ठीक हो जाएगी? नहीं नहीं अंकल, नो 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 नो, दवा लीजिए। अब इसके दादा बोले, ये कहाँ फोन कर रहे थे? अरे वो तनु के दादाजी बीमार हैं, खांसी है। तुम उसके दादाजी को दवाई बता रहे हो? वो तुम्हारे दादाजी को दवाई बता रही है? ये क्रॉस कनेक्शन चल रहा है, अपने अपने दादाजी को तुम लोग दवाई क्यों नहीं दे रहे हो? अब दुकान से फोन कर रहा है तनु को, और क्या, कब, किधर, कैसे? नहीं नहीं हाँ, ओहो अच्छा, वो सब छोड़ो, इस वक्त क्या पहना हुआ है? हाँ मैंने साड़ी पहनी हुई है, मैंने साड़ी कल पहनी थी, मैंने मनीष मल्होत्रा की साड़ी, और आज दोपहर को पहनी थी मैंने रोहित बल की, और इस समय मैंने पहनी है विक्रम फटनिस की। देखो तनु, मेरी तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई, दूसरे लड़कों की साड़ियाँ पहन रही हो, जो मैंने भेजी थी वो कब पहनोगी? मुझे पसंद नहीं है तुम्हें, शादी के बाद तुम किसी और की। अरे बाबा ये लोग डिजाइनर हैं। अच्छा तनु, हाँ चलो किस दो, दो ना, नहीं ये सब अच्छा नहीं है। देखो अच्छा है कि नहीं है वो मैं बताऊंगा, तुम्हारा काम है देना। होते होते शादी की तारीख नजदीक आ गई, बारात पहुंच गई, बारात का स्वागत हो रहा है। बारात पहुंच गई, मिलनी मिलनी हुई, स्वागत अगत हुआ, फेरों का वक्त आया, पंडित जी बोले बार बार जो को बुलाइए। फेरे होने ही वाले थे कि आशीष के दादाजी फैल गए, ऐसे नहीं होंगे फेरे, पहले मांग पूरी होगी। जी दहेज, दहेज के हम खिलाफ हैं, ये है 2.5 लाख रुपए का टेलीफोन का बिल जो शादी से पहले लौंडे करते रहे आपस में।